आज जिले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित महापौर सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। इसी दौरान लोकसभा में पास हुए नागरिक संशोधन बिल के विषय में जानकारी दी। जबलपुर के विकास के साथ इस तरह भेदभाव करोगे, खिलवाड़ करोगे आप? ये जनप्रतिनिधि सभी यहां पर बैठे, नगर निगम में जाति हो रही है, सीधा दखल दिया जा रहा है। नगर निगम के चुनाव समय पर ना हो इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि कार्यकाल पूरा हो जाए तो प्रशासक बैठा दें वहां पर लाकर और मर्जी के निर्णय करें। पंचायतें के चुनाव को टालने की कोशिश होती है, महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो यह कोशिश हो रही है। ये सरकार क्या चाह रही है लोगों की समझ में यही नहीं आ रहा। यह कैसा लोकतंत्र है मध्य प्रदेश में आज? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी उनके क्षेत्र में विकास के कोई काम अगर हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि है तो या तो उसको बुलाओ ही मत, या उसको बुलाओ तो उसका नाम वरिष्ठता के क्रम में इतने नीचे रख दो कि वो स्वयं ना आए। ये कोशिशें जबलपुर में चल रही है। अरे अभी एक साल हुआ है आपकी सरकार बने हुए, आप जीवन भर का पट्टा लिखाकर नहीं आए हो? जनता त्राही माम कर रही है, आप स्थायी नहीं रह पाओगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसी भेदभाव के कोई बदले की भावना के बगैर काम होते थे, विकास के कार्यों में कोई अवरोध नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन आज विकास का काम अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसद के क्षेत्र में है तो वो नहीं होना चाहिए। ये राजनीति चल रही, इस आधार पर अपना आधार मजबूत करोगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार एक साथ एकजुट होकर कांग्रेस के ऐसे सारे षड्यंत्रों का समय समय पर पर्दाफाश करेगा और एकजुटता के साथ जमीन पर उतरकर जनता के हित की लड़ाई लड़ेगा।